हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नियो वर्ल्टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि फाइनली बिजली विभाग की तरफ से आ चुकी है नई वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में जो की निकाली जा रही है बिजली विभाग की तरफ से नई भर्ती। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है और बिजली विभाग की इस वैकेंसी के लिए आप देख सकते हैं मल्टीपल जॉब्स में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहां पर जो वैकेंसी जारी की गई है वो है क्लर्क की वैकेंसी, असिस्टेंट की वैकेंसी और ऑफिसर की वैकेंसी। तो गाइस, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा अगर आपको सरकारी नौकरी पानी है साल 2022 में। और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों आप सभी से शिकायत रहती है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वैकेंसी के बारे में पता चले, वो भी जानकारी ले और अप्लाई करें। और दोस्तों, रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाएं, साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजली विभाग भर्ती 2022 के बारे में, जिसका लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मल्टीपल जॉब से क्लर्क, असिस्टेंट और ऑफिसर की पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वहीं गाइज, आपको सिलेक्शन होने पर जो सैलरी मिल रही है 56,100 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी काफी शानदार आपको देखने को मिल रही है। और दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, बाकी सभी जानकारी के लिए चलिए आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। दोस्तों, कंप्लीट जानकारी और अप्लाई करने का लिंक मिलेगा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि नंबर वन वेबसाइट है tipswarrantbus.xyz पर। यहां पर आप जाकर के इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। वहीं हमारी जो सेकंड नंबर की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है neovoltaic.co.in। यहां पर भी आपको डेली बेसिस पे नई वैकेंसी की अपडेट दी जाती है, तो आज ही जानकारी लें और अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है बिजली विभाग की तरफ से, जिसकी कंप्लीट जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं दोस्तों सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजली विभाग की नई भर्ती के बारे में, जो कि निकाली जा रही है यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों, यहां पर 4 टाइप्स ऑफ वैकेंसी रिलीज कर दी गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नंबर वन जो पोस्ट है वो है चीफ केमिस्ट की, सेकंड नंबर की पोस्ट है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की, थर्ड नंबर की पोस्ट है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की। वहीं यहां पर अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट क्लर्क की पोस्ट पे भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल जो वैकेंसी है 63 है। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में केवल आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद सैलरी की बात करते हैं तो 27,200 से 56,100 रुपए पर मंथ आपको सैलरी भी मिलेगी, ठीक है। एज लिमिट जो है मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम जो है 40 साल है। आई सीमा में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को, अगर आप एससी एसटी के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 40 के बाद के आई सीमा का छूट का बेनिफिट भी ले सकते हैं, ठीक है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी के लिए 1180 है, एससी एसटी के लिए 826 है, पीडब्ल्यूडी के लिए केवल 12 रुपए है। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा सभी स्टूडेंट्स को। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर आप ग्रेजुएट पास हैं इन एनी डिसिप्लिन में, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस में हो या बीबीटेक हो, तो आप सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, अब बात करते हैं आवेदन कब से कब तक चलेंगे। तो आवेदन जो है 4 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 25 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है। सो फ्रेंड्स, 25 जून से पहले अप्लाई जरूर कीजिएगा। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा और यहां से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को चेकआउट करना है, यहां पर आपको जस्ट क्लिक करना है, आप आ जाएंगे सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों, हम आ चुके हैं सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीट जानकारी दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर कौन कौन सी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है। दोस्तों, यहां पर आपको जो सैलरी मिलेगी, किस लेवल, किस पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, वो कंप्लीट जानकारी यहां पर दी गई है। एज लिमिट क्या होगी, 21 से 40 साल है। आईसीएमआर की गणना जो है 1/1/2022 के अनुसार की जाएगी। वहीं आईसीएमआर में छूट किस प्रकार है, एससी एसटी को 5 साल की है, ओबीसी को 3 साल की है, बाकी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स को भी छूट है आईसीएमआर में। वहीं दोस्तों, यहां पर आप आएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर जो है पद वाइज यहां पर आपको योग्यता मिल जाएगी, यानी कि क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी पोस्ट के अनुसार, ठीक है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहां पर मांगी गई है, सारी जानकारी यहां पर है, आप पूरी जानकारी यहां से ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस किस प्रकार है कैटेगरी वाइज, वो भी जानकारी यहां पर दी गई है। अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की, सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस प्रकार है। आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा, जो कि आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको पूरी जानकारी दे रखी है किस प्रकार आपको एग्जाम देना होगा,
और यहाँ पर कितने प्रतिशत आपको अंक लाने अनिवार्य हैं, वो भी सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। प्रथम भाग यानी कि पार्ट वन में आपके किस प्रकार कितने सवाल आएंगे, यानी कि 150 सवाल होंगे 150 अंकों के, ठीक है, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। वहीं पार्ट टू में आपके कितने सवाल होंगे, कितने अंकों के होंगे, कितनी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो भी जानकारी है। चयन प्रक्रिया और आपका सिलेबस क्या होगा, वो भी जानकारी आपको इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है, ठीक है। वहीं आपकी टाइपिंग भी होगी, अगर आप यहाँ पर क्लर्क की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टाइपिंग का टेस्ट भी देना होगा, यानी कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो भी आपका लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सारी जानकारी के लिए इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर दे रखा है, किस प्रकार आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, किस प्रकार यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करना है, किस प्रकार आपको यहाँ पर जो है आपके सिग्नेचर, आप देख सकते हैं फोटोग्राफ और आपके सिग्नेचर किस प्रकार आपको आपके अपलोड करने हैं, वो सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म को किस प्रकार फिलअप करना है, कौन सी वेबसाइट पर जाकर के कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। तो अप्लाई करने से पहले इस आप नोटिफिकेशन को अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा, वरना आपको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी कोई आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको सेपरेटली एक वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे। और दोस्तों इसी प्रकार नई वैकेंसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने सिटी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके सिटी के आसपास की वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले दी जा सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।